हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम अपनी स्टॉक आइटम को बना सकते हैं और उसके अंदर होने वाले जो जो आइटम्स हमें यूज़ करनी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्यों बना है, डेनिम जीन्स, बटन, जिप और थ्रेड। तो सबसे पहले स्टॉक आइटम को बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले यूनिट्स बनाएंगे जो कि यहाँ पे पीसेस, रील। अब क्योंकि हम डेनिम क्लॉथ को 2 डेसिमल पीसेस में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे मीटर में जाके डेसिमल पीसेस 2 कर देंगे। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम क्या जाएंगे, क्रिएट डेनिम क्लॉथ जो कि मीटर में यूज हो रहा है। अब बटन जो पीसेस में, देन जिप जो कि पीसेस में, एंड देन थ्रेड जो कि रील में। अब ये सारी स्टॉक आइटम बनाने के बाद हमारी मेन आइटम डेनिम जीन्स, इस आइटम को बनाने से पहले एक बार F12 प्रेस करना एंड देन यहाँ पे अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल BOM का फीचर यस करना। इस फीचर के थ्रू हम अपनी इस आइटम के अंदर बाकी सारी आइटम डिफाइन कर सकते हैं जैसे पीसेस, एंड देन इस फीचर को यस किया। अब यहाँ पे एक डेनिम जीन्स बनाने के लिए हमें 3.20 मीटर डेनिम क्लॉथ, एक बटन, थ्रेड, एक रील एंड देन जिप, एक पीस। यानी एक डेनिम जींस बनाने के लिए हमें ये सारी स्टॉक आइटम यूज होंगी एंड देन एक्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम न्यू क्लॉथ हाउस। न्यू क्लॉथ हाउस से भी हमने आइटम परचेज करी है तो सबसे पहले इन आइटम की एंट्री करते हैं। एस्केप करेंगे, सबसे पहले वाउचर्स में जाएंगे F9, क्योंकि बिल मेंटेन नहीं कर रहे, फील्ड को ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे न्यू क्लॉथ हाउस बनाने के लिए। जो कि हमारा क्रिएटर है। अब सबसे पहले यहाँ पे डेनिम क्लॉथ 100 जो कि 80 रुपीज़ पर मीटर, एंड देन यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। परचेज अकाउंट, नेक्स्ट, बटन अगेन 100, 4 पीस पर पीस, नेक्स्ट थ्रेड 100, 5 पीस पर रील एंड देन जिप जो कि 100 जो कि 18 रुपीज़ पर पीस एंड देन कोई बिल मेंटेन नहीं कर रहे तो स्किप करेंगे F11, बिलवाइज के फीचर को नो कर देंगे। एंड देन एंटर और इसकी नरेशन, एंड देन एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गिवन है पास द एंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेनिम जीन्स विद द एडिशनल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले एस्केप करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप। सबसे पहले हमें एक नया वाउचर क्रिएट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, एंटर जो कि स्टॉक जनरल, एंड देन यहाँ पे यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करना होगा, इसको एक्सेप्ट एंड देन
अकाउंटिंग वाउचर में जाके ऑल्ट के साथ F7, ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का नाम यानी डेनिम, अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 20, अब यहाँ पे आ जाएगा कि हमें एक डेनिम जीन्स बनाने के लिए 64 मीटर एंड देन उसका रेट 80, मतलब सारे चार्जेस हमें शो कर देगा एक जीन्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें और कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है 20 जीन्स बनाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे इसके एडिशनल एक्सपेंसेस जैसे स्विचिंग चार्जेस ऑल्ट सी करके बना सकते हैं, जो कि हमारे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे 600। कमीशन एंड देन पैकिंग चार्जेस। एंड देन एक्सेप्ट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री जो कि हमने सेल करी है डेनिम वर्ड को 575, इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले F8 यानी सेल में यहाँ पे डेनिम वर्ड बनाएंगे, सेल कर रहे हैं तो हमारे डेटर अब यहाँ पे हमारी आइटम डेनिम जीन्स। अब टोटल हम इनको 10 पीसेस सेल कर रहे हैं 575 एंड देन यहाँ पे सेल कैलेंडर भी बना देंगे ऑल्ट सी प्रेस करके। एंड देन एक्सेप्ट। अब हमारी कॉस्ट देखने के लिए सबसे पहले स्टॉक समरी में जाएंगे एंड देन F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट शो कर गया। अगर आप चाहें तो आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप ट्राई कर सकते हैं।